रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मंडी में आवक अच्छी चल रही है, ये सारे सीजन इकट्ठे हो गए हैं। कश्मीर का सेब भी चल गया है और हिमाचल भी चल रहा है और कुल्लू शिमला साइड दोनों चली हुई है। सर सराबे कह गया उसमें की आवक भी अच्छी है और उठाव भी अच्छा है, पर रेट थोड़ा कम है। रेट कम है? हाँ, सारी सेब सारी हर तरह की इकट्ठी चल गई है ना, तो रेट थोड़ा कम है और ये कश्मीर की गिरान आने की वजह से तो काफी मंदी है, तो इसमें हर चीज के रेट का फर्क पड़ेगा। वीडियो को जल्दी देखने के लिए आप वीडियो के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको वही जानकारी कम समय में मिल जाएगी। इसके अलावा आप वीडियो को बेहतर समझने के लिए वीडियो की शुरुआत में सब टाइटल ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको देर समझने में आसानी रहेगी। अगर आप एग्री मंडी चैनल के साथ अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो में आपके लिए विशेष जानकारी। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है रविवार और तारीख है 22 सितंबर 2024। फल सब्जी की जानकारी की वीडियो को शुरू करने से पहले भाइयों आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भाइयों, आज करनाल मंडी में फल और सब्जियों का बाजार भाव इस प्रकार से था। सबसे पहले जानते हैं फलों का बाजार भाव आज आरती भाई श्री जितेंद्र मलिक जी से। भाजी नमस्कार। नमस्कार भाजी, कैसे हो? अच्छे हैं जी। भाजी, आज रविवार के दिन मंडी थोक मंडी में रेट की आवक और ग्राहकी कैसे दिखी गई? मंडी में आवक अच्छी चल रही है, ये सारे सीजन इकट्ठे हो गए हैं। कश्मीर का सेब भी चल गया है और हिमाचल भी चल रहा है और कुल्लू शिमला साइड दोनों चली हुई है, इसलिए सेब की आवक अच्छी हो रही है। सेब की आवक अच्छी हो रही है? हाँ। तो भाजी अपने पास कौन कौन से फ्रूट है? अपने पास है ये कुल्लू डब्बों में और ये करेटों में भी है और संतरा और अमरूद है। तो अमरूद भाजी कौन से लोकल वाले का? लोकल अमरूद, ये अमरूद लोकल ही चला हुआ है, अभी थोड़ा साफ अमरूद है जो अच्छा 1100-1200 का रेट है। तो भाजी 1100-1200 जो लोकल वाले नहीं है? हाँ, लोकल वाले में तो अच्छी क्वालिटी का। अच्छा भाजी, एक और स्पेशल अमरूद आते हैं जो जाली वाला अमरूद है, वो 60 रुपए किलो बिक रहा है। तो वो भाजी कम नहीं आते मंडी में? वो अभी थोड़ा ब्रेक आया हुआ है, वो कम अभी कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, वो हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा। किस तरह शुरू करवा? एक हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ। तो भाजी इसके अलावा संतरा क्या रेट है? है जी संतरा, संतरा ये 30 रुपए से लेके 60 रुपए किलो तक साइज के हिसाब से है। साइज के हिसाब से भाजी संतरे का उठाव है? उठाव कैसा रहता है? संतरे का उठाव अभी कम है, ये संतरा आजकल ये है ना दागी जल्दी हो जाता है, ये बरसाती मौसम का है, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी में नहीं आ पाता, ये जल्दी दागी हो जाता है, इसलिए ग्राहक कम उठाता है। कम उठाता है? हाँ। और सेब भाजी सेब कौन कौन से टाइप के पास? सेब अपने पास तो ये है शिमला है, ये 1400-1500 का डब्बा बिक रहा है। 1400-1500? हाँ, जो अच्छी क्वालिटी में। और जैसे हिमाचल और किन्नौर वाले आते रहोगे? ये किन्नौर नहीं है, अब किन्नौर अभी शुरू होएगा, अभी ये कुल्लू और शिमला चला हुआ है। कुल्लू और शिमला चला? हाँ। तो कुल्लू का क्या रेट है भाजी? कुल्लू का जो करेटों में से 20 रुपए किलो से लेके 65-70 रुपए तक है, और जैसी क्वालिटी है। अच्छा भाजी, जैसा भी सराबे कह गए हैं, तो उसमें फ्रूट की आवक या उठाव में? फ्रूट की आवक भी अच्छी है और उठाव भी अच्छा है, पर रेट थोड़ा कम है। रेट कम है? हाँ, सारी से सारी हर तरह की इकट्ठी चल गई है ना, तो रेट थोड़ा कम है और ये कश्मीर की गिरान आने की वजह से तो काफी मंदी है, तो इसमें हर चीज के रेट का फर्क पड़ेगा। हर रेट पे फर्क पड़ा हुआ? हाँ, हर रेट पे फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी, जो आपने हमारे रेट पे साझे किया। एक बार अपना नाम फ्रॉम और कंपनी शॉप नंबर 611 मोबाइल नंबर 94163-62-263। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी। धन्यवाद। काया फलों का बाजार भाव इस प्रकार से रहा। नारियल पानी 1150 से 1200 रुपए कट्टा रहा, एक कट्टे में 20 पीस नारियल होते हैं। मौसमी 700 से 800 रुपए कट्टा रहा, एक कट्टे में 18 से 19 किलो मौसमी होते हैं। अनानास राजा 40 से 42 रुपए किलो रहा और नाक 1100 रुपए बॉक्स रहा, एक बॉक्स में 18 से 19 किलो नाक होते हैं। केला 650 से 700 रुपए क्रेट बिका, एक क्रेट में 12 से 15 दर्जन केले होते हैं। बब्बू कोस का बाजार 1250 से 1300 रुपए डब्बा रहा, एक डब्बे में 12-13 किलो माल होते हैं। गोल्डन सेब 700 से 800 रुपए डब्बा रहा, एक डब्बे में 13 से 14 किलो सेब होते हैं। पपीता 35 से 40 रुपए किलो रहा और अनार 1400 से 1600 रुपए ये माल बिका। चीकू भाइयों 400 से 450 रुपए डब्बा रहा, एक डब्बे में 10 किलो चीकू होते हैं।
अंगूर 600 से 650 रुपये क्रेट रहा, एक क्रेट में 6 से 7 किलो अंगूर होते हैं। दोस्तों एग्री मंडी टीम को जो होता है ऐसे ओनार एंकर की जो मंडी भाव के लिए एंकरिंग कर सके और इसके अलावा उसको खेती और मंडी से जुड़ी जानकारी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भैया आज करनाल मंडी में सब्जियों का बाजार भाव इस प्रकार से रहा। टमाटर हिमाचल 850 से 900 रुपये क्रेट रहा। नासिक हाइब्रिड टमाटर 950 से 1000 रुपये क्रेट रहा। आज मंडी में टमाटर में ज़्यादा माल बैलेंस ही दिखे। पोली हाउस खीरा 28 से 32 रुपये किलो रहा और पेटा 15 से 17 रुपये किलो बिका। अरबी में ये माल 40 से 42 रुपये रहा और गोल घिया 15 से 16 रुपये किलो बिका। भिंडी 25 से 30 रुपये किलो बिका और साग 5 से 15 रुपये किलो बिका। जैसा माल रहा वैसा ही रेट दिखा। चलाई साग 18 से 20 रुपये किलो रहा और तोरी 25 से 30 रुपये किलो बिका। मूली 20 से 25 रुपये किलो बिका और बैगनी कट्टे वाला 290 से 300 रुपये कट्टा रहा। एक कट्टे में 9 से 10 किलो बैगनी होते हैं। फूल गोभी 70 से 80 रुपये किलो रहा। भाई फूल गोभी में 2 दिन से बढ़िया करंट देखने को मिल रहा है। शिमला 60 से 65 रुपये किलो रहा। स्वीट कॉर्न 25 से 30 रुपये किलो बिका। हरी बैगनी 25 से 30 रुपये किलो बिका। नींबू 50 से 55 रुपये किलो ये माल बिका। पत्ता गोभी 22 से 23 रुपये किलो रहा और मिर्च 50 से 55 रुपये किलो रहा। पालक 50 रुपये किलो बिका। पालक में भी आज अच्छा करंट देखने को मिला। आज रविवार के दिन मंडी का माहौल ठीक देखने को मिला। ताज़े टमाटर की आवक आज हमें नहीं दिखी और वहीं गोभी के दामों में पिछले 2-3 दिनों से ऊपर का रुझान बना हुआ है। भाइयों याद आज करनाल मंडी में फल और सब्जियों का बाजार भाव वीडियो भाग 2, आलू और प्याज भाव के लिए देखे वीडियो भाग 1। इस वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।